सो गाइस, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया है छात्रा और शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, एक विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है। साथ ही आपको लाइव इसलिए बता रहा हूँ कि गुड न्यूज के साथ छात्रा और शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी अगर ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। आप सभी को पहले ही बताया था कि छात्र और अधीक्षक की भर्ती को लेकर, देखिए यहाँ पर जो छात्र और अधीक्षक भर्ती की श्रेणी के लिए जो नकारात्मक विचार फैला रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। छात्र और अधीक्षक की भर्ती की तैयारी करना शुरू कर दे, जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर वैकेंसी आता है तो आपको 1.5 से 2 माह का समय दिया जाता है, यानी कि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी करके रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको 1 से 2 महीना के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि छात्र और अधीक्षक की श्रेणी के जो नकारात्मक विचार फैला रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, बहुत ही जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। आपको 1.5 से 2 माह समय दिया जाता है और कंटिन्यू प्रमोशन के बारे में बता चुका हूँ। देखिए पहले ही वीडियो में आप सभी को बताया था कि प्रमोशन के बारे में, तो पदोन्नति की जो श्रेणी द की जो श्रेणी है वो समय प्रमोशन कर दिया है। यानी कि पहले आपको बताया था कि जो 100 लोगों को प्रमोशन हो चुका है, आपको जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन किन लोगों का प्रमोशन किया गया। साथ ही वर्तमान में 156 लोगों का प्रमोशन किया गया छात्र और अधीक्षक की भर्ती को लेकर। वर्तमान में 156, यानी कि पहले 100 लोगों को और अभी 156, यानी कि कितने हो गए 256 लोग। और पहले से 400 रिक्त पद खाली हैं, यानी कि टोटल मिलाकर आपको कितने हो गए 600 या 650 पद हो गए हैं। यानी कि आपको बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है, यानी कि नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि 600 से या 700 के बीच में आपको भर्ती संबंधी वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी कि 600 से अधिक पोस्ट आपको छात्र और अधीक्षक भर्ती को देखने को मिल सकती है। आप सभी लोगों के पास समय कम है तो इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। आप सभी को मैं प्रमोशन के बारे में बताया था जो कि वर्तमान में 156 लोगों का हुआ है, तो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दूंगा कि किन किन का नाम लेकर यहाँ पर जो प्रमोशन किया गया 156 पदों पर, ठीक है, सॉरी 156 लोगों का, उसको भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। और साथ ही जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं छात्र और अधीक्षक की, तो अभी से शुरू करना चालू कर दें, ठीक है। सबसे फोकस आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर पर। छात्र और अधीक्षक के सबसे मुख्य फोकस आपको कंप्यूटर पर करना होगा। यानी कि यहाँ पर 50 नंबर के कंप्यूटर का पूछा जाएगा, लेकिन अनिवार्य है कि यहाँ पर 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, ठीक है, और 30 नंबर यानी कि गणित से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी कि सबसे मुख्य फोकस आपको करना होगा कंप्यूटर और गणित पर, ठीक है। और सामान्य ज्ञान पर तो करना ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कंप्यूटर पर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 25 नंबर नहीं लाते तो आपको OMR sheet यानी कि चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका पेपर चेक नहीं होगा अगर कंप्यूटर में आप 25 नंबर नहीं लाते तो, ठीक है। यही जानकारी देना था, और इसके बारे में जो प्रमोशन हुआ था उसके बारे में अभी मैं बताऊँगा। यानी कि 156 लोगों का वर्तमान में प्रमोशन हो चुका है और पहले 100 लोगों का प्रमोशन हो चुका है, मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ। यानी कि दोनों मिलाकर 256 हो रहा है, और साथ ही 400 रिक्त पद है, यानी कि वहाँ पर विभाग से मतलब एक 400 रिक्त पद पहले से ही खाली हैं, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 600 से अधिक, यानी कि 650 से अधिक पोस्ट हो रहा है। तो बहुत सारी वैकेंसी, बम्फर वैकेंसी देखने को मिल सकता है छात्र और अधीक्षक भर्ती को लेकर, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके रख सकते हैं, ठीक है। जो छात्र और अधीक्षक की भर्ती द की श्रेणी है उसको स की श्रेणी में पदोन्नतित कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको विभाग की तरफ से जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बहुत ही। अब विभाग की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि जो छात्र और अधीक्षक की भर्ती पर बहुत बड़ी अपडेट के साथ एक लेटर जारी किया गया, विभाग के व्यापम के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे वैकेंसी आएगी आपको लेटेस्ट मैं आपको इसी वीडियो पर आपको बता दूंगा। थैंक यू।